जनूबी जिला अनंतनाग के तहसील मटन के लोगों की बड़ी तादाद ने आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। पार्टी के तर्जुमान एडवोकेट सईद इकबाल ताहिर ने नए शामिल होने वालों का खैर मुकदम किया और उन पर जोर दिया कि वो पार्टी को निचली सतह पर मजबूत करे। तकरीब में जोनल सदर रईस खान, जोनल नायब सदर खलील मोहम्मद कोका, यूथ लीडर तारिक अहमद वानी और सोनाउल्ला शाखसाज, अब्दुल गनी खान, अनंतनाग ईस्ट के सीनियर पार्टी ओहदेदारान ने भी शिरकत की है। से बनी है वो हुकूमत इसलिए नहीं बनाई गई कि किसी को चीफ मिनिस्टर बनना था या किसी को मिनिस्टर बनना था। ये बनेगी कि जो पीडीपी का मंशूर है, जो पीडीपी का मकसद है, जो पीडीपी का एजेंडा है, उसको अमल में लाया जाए। पीडीपी का क्या एजेंडा है और वो अभी तक वो एजेंडा कायम, यहाँ पे पकड़ दकर खत्म हो और मसले कश्मीर का हल निकल आ जाए। क्योंकि जब तक कश्मीर के मसले का हल नहीं होगा, तब तक यहाँ पे कभी भी ऐसे रहते हैं, कभी भी यहाँ पे लाखों की तादाद में होते हैं, कभी भी यहाँ पे पकड़ दकड़ है, कभी भी यहाँ पे लोग मारे जाते हैं, कभी भी मासूम मारे जाते हैं। अगस्त 5, 2019 को जब हमसे हमारा स्पेशल स्टेटस देखा, पिछले 3 सालों से कौन सी बर्बादी हमें झेलनी पड़ी, क्या मुश्किल दौर हम पे आया, चारों तरफ से मायूसी है, चारों उम्मीद से नाउम्मीदी है, चारों तरफ से लोग मुसीबत में फंसे हुए, कहीं पे न कहीं पे अमन है, न कहीं पे आशती है, खून रेजी अजी भी हो रही है, हर जगह लोगों को सताया जा रहा है, लोगों को मुसीबत में डाला गया है। डेवलपमेंट तो नाम की है, कहीं पे हमने डेवलपमेंट नहीं देखी। तो ये आप देखिए, इस मुश्किल दौर में जहाँ तो वो सिर्फ पीडीपी है और हमारी रहनुमा मैडम मुफ्ती साहिबा, आपने देखिया जो भी लीडर थे यहाँ, वो खुल के बात नहीं कर सकते क्योंकि उनको वो कमजोरियाँ हैं जिनकी वजह से वो बात नहीं कर सकते। लेकिन एक लीडर है जम्मू कश्मीर में जो खुल के लोगों की दर्द की तर्जुमानी करती है, जो खुल के सड़क पे आती है, मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा है, क्योंकि उनका दामन पाक है, उन्होंने किसी से कभी धोखा नहीं किया, उन्होंने कभी किसी को गलत नहीं किया। तो इसलिए आज